त्याग। ओ इस बार ओहो हाँ हाँ यहाँ पर फिर से रघु प्रदर्श के पीछे जोरदार मुकाबला जमशेदपुर और प्लेयर इस बार दोनों शत्रुघ्न को मैदान में खा लेंगे। चलिए इसी के साथ देश की शुरुआत सरदार शुरुआत किए हैं। दिख रहा हूँ उठा के चले हैं लेकिन इंद्र जो कि गोलकीपर है चर्चित कीपर है इस बार एकदम ऐसा चलेगा नहीं है मैदान में। आप अगर गलत तरीके से खिलाड़ी के ऊपर बात करते टैकल करते निश्चित तौर पे आपको एक अलग रणनीति से सूरज जरूर छिड़ने का प्रयास था और गलत कर बैठे यहाँ पर शत्रुघ्न और इस बार राजेश को मौका मिला है। राजेश बड़े अनुभवी खिलाड़ी फुटबॉल जगत के सोदर प्रयास मौके मरेंगे और तीसरा ही शॉट काफी समर्थक दर्शक निराश रहेंगे बहुत ज्यादा खुला रहेगा इस शॉट को भरत राम बढ़िया है बहुत ही अच्छा प्रयास इस बार और बिल्कुल एक अच्छा रणनीति और इस बार गलती कर बैठे रघुवर्धन और राजेश क्या लेकिन जिस प्रकार से डिफेंस है किस्टो पहाड़ मैन स्टॉपर किसी तरह से पीट होना नहीं चाहते हैं किसी तरह से इंजरी होना नहीं चाहेंगे ये खेल में। अच्छा पलटवार सूरत पहुंच गए थे वो तो हम तो दूर सूरज और भक्तू जैसे खिलाड़ी के पास गेंद चली जाती है तो हमें भी लगता है कि यहाँ कुछ होने वाला और होने जाने वाला है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा प्रयास रहेगा इस बार सुंदर सा प्रयास रहेगी वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं इस बार अच्छी रणनीति के साथ नए ऊर्जे के साथ नए उम्र के साथ लेकिन थोड़ा सा बीच हो गए सूरज दिखाई गए पहले ही गेंद को
कलेक्ट कर लिया गया, राजस्व इंतजार कर रहे थे। इस बार सुंदर गुजरात राजस्व के लिए विकल्प ढूंढा है राजस्व को, राजस्व धीरे से फिर से गुजरात अच्छा प्रकृति लेकिन बुध रहा है घरों के। इस बार बीट हो चुके थे और सेमीफाइनल यहां पर हारना पसंद नहीं करेंगे दोनों ही टीम। राजेश क्या करते हैं, कितना समय के बाद रिलीज करेंगे, मार्किंग दोनों को दिया गया है हार खड़े दिख लो। बुधराम के लिए और सुनील ने बिल्कुल बुधराम को टारगेट बनाया था और सुनील बड़े खिलाड़ी बना दो बुधराम को तो चलो पीट किए हैं। इस बार पीछे बार और मध्य भारत दीदी दोनों टीम के पास ये सब कम है धीरे से गेंद को आगे बढ़ा दिया। इस बार राजेश क्या क्या करेगा, ओहो राजेश लड़ खड़ा गए संतुलन खो बैठे गिर पड़े मैदान में राजेश इसका गिरना यहां तक जितना हद तक निराश रहेंगे राजेश ये करना बहुत मुश्किल है। जोहार स्वागत है करो या बरो की स्थिति में रिटोल के परिसर बढ़िया शॉट लेकिन गोल कीपर जीवन टूटा माफी चाहेंगे भाई एक ही टाइप के लगते हैं। हरिद्वार दूर से पर्याप्त सरदार मौके बनेंगे मधु सिंह सरदार मधु बहेंगे मधु ओहो लेकिन इंद्रो इतना आसान नहीं होगा बजरे के समान इंद्रो है वहां पर बिल्कुल समान अंतर बंटवारा काफी अच्छा साथी खिलाड़ी को सुंदर प्रयास और इस बार बिल्कुल क्या रणनीति अपनाया है टीम राजेश बिल्कुल मानसिक लेकिन उससे पहले बात करें तो दोनों बड़ा मिलकर जीरो जीरो इस बार तुरंत भक्तों पानी फेर दिए पानी फेर दिए बिल्कुल और सचिव मुंडा का क्या लॉडिंग था मानना पड़ेगा भाई मेरे ख्याल से लगेगा इस सेमीफाइनल के बाद और कितना दिन मैच नहीं कराएंगे जैसे लगे लेकिन रेफरी है बहुत ही अनुभवी रेफरी सचिव मुंडा बता रहे अभी भी जो इतना उम्र में भी अपने शरीर को इतना कंफर्टेबल रखे हैं ये बड़ी बात की बात है। सचिव मुंडा को कितना भी तारीफ करके कहूं इस बार बिल्कुल ओहो और यहां पर फिर से एक बार तीसरा भी हिट शॉट गैप से चलेंगे सिवाय का गोल लाइन के बाहर अब दियो लगते बेटे क्या करो था ये भक्तों टाइम का फिर से लाता हुआ इसके बाद क्या किस रणनीति के अलग अंदाजे के साथ मैच खेलेंगे ये कहना बड़ी मुश्किल है। रहेंगे थोड़ा सा इससे शॉट को बहुत जल्द खुलना चाहिए इस बाजार में अच्छा खासा प्रयास जब से थोड़े अच्छी भर से रघु बर्दन के बीच इस बार बड़ा शॉट सीधा सीधी भक्तों के पैर में गए शत्रुघ्न को दिया गया शत्रुघ्न क्या करेंगे और इस बार सूरज बिल्कुल सूरज क्या करेंगे ओहो और इस बार भक्तों फिर से बस सूरज और भक्तों का क्या था में मौके बनेंगे देखिए बात भक्तों और इसी के साथ गोलकीपर का अगर बात करेंगे रामदास किसको
आप हाथ से गेंद को अचानक कर देंगे साथ में जाकर जैसे सच्चा जाए फिर से मधु के लिए मधु उठा के खेले लोग शॉट के जरिए लेकिन इधर एक चतुर गोलकीपर एक होशियार चालाक गोलकीपर एक आसान से खेलना मुश्किल होगा बढ़िया है अच्छा खासा बढ़िया था स्मार्ट जरूर ठीक की है मौके बनेंगे रघु बदर की ओर से निस्वार सुंदर सा प्रयास बड़ा अपील लेकिन नहीं स्वीकार करेंगे मैं अपने सबसे बोलता देख रहे थे खाली हाथ भी देख लिए थे हेडबॉल का जरूर अपील था लेकिन चली गई थी जिसके चलते वापसी आने में समय नहीं लगा इस बार मौके बनेंगे लेकिन उतना ही अच्छा है दोनों टीम ने क्या कमाल का मैच खेला है भाई इस बार राजेश राजेश को अपने साथी खिलाड़ी को जरूर दिए थे और मधु तो निशाना साधा था इस बार भक्तु क्या करेंगे लेकिन इतना ही अच्छा बचाव मैन स्टॉपर को मानना पड़ेगा जर्सी नंबर 29 जो कि मान सिंह मुर्मू बढ़िया अच्छे प्रयास इस बार यदि कोई खिलाड़ी आगे नहीं क्या राजेश कलेक्ट कर लिए इस बार मधु को दिया है लंबा शॉट छिटक गया था हाथ से इधर का लेकिन आप भला तो जग भला बचाव करने में सक्षम रहे फिर से बात भरत राव बढ़िया सुधराव के किनारे गेंद को कलेक्ट कर लिए विद्या जयपाल विद्या राजेश हाँ हाँ यहाँ पर फिर से शशि मुंडा जरूर करीब मामला हो सकता है गेंद और इसी को लेने के लिए मधु सिंह सरदार को आमंत्रित किया गया है मधु और इसी के साथ बड़ा शॉट और गेंद चलेंगे इसी मारे खाओ के लिए बाहर ना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा फाइनल में खेलने के लिए आप आ जाएंगे और अचानक से टच लाइन आ जाएंगे और इस बार मौके बनेंगे भक्तों को क्या रोक पाएंगे भक्तों को सूरज बिल्कुल हो और इसी के साथ यह चलेंगे श्रीमान खाओ के लाइन बाहर हाँ बिल्कुल भक्तों को भाप लिए है और इस बार कीपर रामदास किसको बड़ा शॉट इस बार फिर से एक बार शत्रुघ्न चूज कर इस बार लंबा शॉट लेकिन उतना ही अच्छा पॉइंट जहां सूरज को जीतता हुआ गेंद पहुंचा था इस बार वार्षिक वर्मा सुंदर मधु सिंह सरदार के लिए बढ़िया डिलीवरी ले सतु हॉल्ड 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 और ये मुद्रा बहुत जल्द भूलना चाहेंगे इसकी को दे साहब शॉट मार दिए थे एक बार कुछ समय के लिए जयदीप को भी आजमाया जाए यही सोचे हैं राजेश और इसी के साथ असिस्टेंट आरजू रेफरी कीर्तिमान सुमुंडा जी ने खिलाड़ी को बिल्कुल सुधरा साथ ही खिलाड़ी सुधरा गुड डिलीवरी हेड टच जरूर दिए थे लेकिन बहुत ही सरदार
चाचा के खिलाने के ऊपर और ये गलत कर रहे थे। फिर से बोल रहा हूं और लगता है उठा के साथ सुंदर पर यहां बच्ची नहीं बोली और हवा में गया तीसरा भी हेड शॉट। गेंद लगा छोटी मुंडा है ऐसे खिलाड़ी नहीं है छोटी मुंडा को खाली करके कोल्ड आउट शत्रुघ्न कोल्ड आउट कोल्ड आउट मैं कहूंगा रेफरी से ऐसा नहीं करेंगे। सूरज बॉडी सटल रहे ऐसे रेफरी नहीं है आज तक नहीं देख रहे आप लोग कोल्ड आउट भाई मैं कहूंगा थोड़ा सा रघु बरदार इस में थोड़ा सा संतुष्टि नहीं निराश लगा था जरूर इस सीजन में लेकिन शशि मुंडा ऐसे पचपाती रेफरी नहीं है मैदान में बहुत ही अनुभवी रेफरी है। इस प्रकार से नहीं करेंगे और एक अच्छा मौका मिला है रघु बरदास के ऊपर खतरे की बात थोड़ा सा बन रहा है लेकिन इतना आसान भी नहीं बहुत सारे दीवार बना लिए खिलाड़ी दीवार को छेड़ना इतना आसान भी नहीं होगा। देखा जाए गाने से पहले कुछ भी कहना फुटबॉल एक बार खाली खेल होता है कब क्या होगा ये कहना बड़ी मुश्किल है।